दोस्तों अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया कल तक जिस बॉलीवुड में क्रिएटिविटी के नाम पर हम लोगों के सामने में अतरंगी सतरंगी नारंगी जैसी फिल्में, यानी कि भैया क्रिएटिविटी के नाम पे जो गंदगी परोसी जा रही थी ऑडियंस के सामने, अब उस पर विराम लगने का टाइम आ चुका है। यानी कि भैया हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स को ये मूल मंत्र मिल चुका है कि भैया अगर आप अपनी सभ्यता के साथ अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो भैया आपकी इंडस्ट्री खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और भाई यही वजह है कि आज पूरे बॉलीवुड पर हावी होती नजर आ रही है साउथ इंडस्ट्री। और साउथ की फिल्में क्यों बॉलीवुड में इतना पसंद किया जा रहा है, तो भैया उन फिल्मों में आज भी भारत की संस्कृति देखने को मिलती है। यानी कि भैया साउथ की फिल्मों में हल्का फुल्का आपको वेस्टर्न लुक मिलेगा, लेकिन भैया उस फिल्म का जो सार होता है वो पूरी तरीके से भारतीय होता है। लेकिन भैया हमारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े मेकर्स हैं वो पता नहीं अपने नारंगी और अतरंगी जैसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से खुद को बहुत ज्यादा क्रिएटिव समझ रहे थे, लेकिन अब उनकी क्रिएटिविटी की जो दुकान है वो पूरी तरीके से बंद होने वाली है। तभी तो भैया बॉलीवुड से लेकर अब ये खबरें निकल के आने लगी है कि भाई यहां पर आदि पुरुष, महाभारत, रामायण और सूर्यपुत्र महावीर करण जैसी फिल्में अब बननी शुरू हो गई हैं। यानी कि भैया बॉलीवुड के मेकर्स ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अब लोगों की भावनाओं के साथ में ये ज्यादा खेल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि आज एक और जबरदस्त फिल्म के टाइटल का लोकार्पण किया गया हम लोगों के सामने। यानी भैया लोकार्पण मतलब हो गया कि भैया उसका टीजर हम लोगों के सामने रखा गया, उसका पहला लुक रखा गया एक भव्य तरीके से, जिसे देखने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे हैं कि भाई चलो देर से ही सही लेकिन बॉलीवुड के मेकर्स की आंखें तो खुली। यानी कि भैया जैसे ही करण का ये टाइटल वाला टीजर हम लोगों के सामने आया है, उसके बाद से इस फिल्म की चर्चा पूरे बॉलीवुड में बहुत ही धूम धड़ाके से हो रही है। यानी कि भैया वासु भगनानी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट अपने हाथ में उठाया है, जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया बैक टू बैक अच्छी अच्छी फिल्में हम सबको सिनेमा घर में देखने को मिलेगी। और भाई जब से करण के ये टाइटल वाला जो टीजर हम लोगों के सामने आया, उसके बाद से एक और जंग छिड़ गया है कि भाई इस फिल्म में कौन मुख्य कलाकार नजर आने वाले हैं। और भैया कुछ लोगों ने तो इस फिल्म के मुख्य कलाकार का नाम भी हम लोगों के सामने रख दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस फिल्म में कौन कलाकार नजर आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है सूर्यपुत्र महावीर करण की आने वाली मच अवेटेड फिल्म से। दोस्तों इस फिल्म के टाइटल वाले टीजर के माध्यम से यह बात क्लियर हो चुकी है कि वासु भगनानी बहुत जल्दी ही महाभारत के सूरवीर करण की कहानी को लेकर आने वाले हैं सिनेमा घर में। यानी भैया इस फिल्म को लेकर तो खबर हम लोगों के सामने 2020 में ही आ गई थी कि भैया ये फिल्म आने वाली है सिनेमा घर में। और भैया उस वक्त इस फिल्म को लेकर यह जानकारी आ रही थी कि भैया इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है बॉलीवुड के नहीं बल्कि साउथ के सुपरस्टार यानी कि चियान विक्रम की। यानी कि भैया चियान विक्रम इस फिल्म में करण का किरदार निभाने वाले हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही थी। और भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी भी सामने आई थी कि चियान विक्रम ने इस फिल्म का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन भैया आज जब इस फिल्म का टाइटल वाला टीजर हम लोगों के सामने आया, तो उसमें यह अद्भुत बात देखने को मिली कि भैया इस टाइटल वाले टीजर के साथ में चियान विक्रम का नाम कहीं नहीं था। और भाई जब ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी गई, तो उसके बाद से ही विक्रम के फैंस लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि भैया अगर इस फिल्म में विक्रम की एंट्री हो चुकी थी, वो इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुके थे, तो भैया उनका नाम क्यों नहीं दिया गया इस टाइटल वाले टीजर में। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि इस फिल्म के लिए सबसे पहले अगर किसी को फाइनल किया गया था करण के किरदार के लिए, तो वो चियान विक्रम ही थे। लेकिन अब खबरें निकल के आ रही है कि चियान विक्रम इस फिल्म से बाहर हो चुके हैं, यानी कि वो इस फिल्म को नहीं करने वाले हैं। और अब इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म के मेकर्स यानी कि वासु भगनानी और उनके बेटे जैकी भगनानी इस फिल्म के लिए बॉलीवुड के किसी दिग्गज कलाकार को लेना चाहते हैं। यानी कि भैया करण की भूमिका में बॉलीवुड का ही कोई बड़ा स्टार इस फिल्म में नजर आएगा। और भैया खबरों की माने तो भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि यह फिल्म भी अक्षय कुमार के खाते में जा सकती है। यानी कि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन खबरें यही आ रही है कि भैया चियान विक्रम जो है अब वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है और यह फिल्म अक्षय कुमार के हाथ में जा सकती है। वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया अभी तक तो इस फिल्म को लेकर कोई
लीड एक्टर फाइनल नहीं हुआ है, यानी कि अगर हम लोग विक्रम को साइड रख देते हैं तो भैया अभी तक कोई लीड एक्टर फाइनल नहीं हुआ, तो आप यहां पर किसको देखना चाहते हैं बॉलीवुड से? क्या आप यहां पे अजय देवगन को देखना चाहते हैं? क्या आप यहां पे ऋतिक रोशन को देखना चाहते हैं? या फिर आप इस फिल्म में विक्रम को ही देखना चाहते हैं? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों नो डाउट करण का जो ये टीजर आया है, यानी कि टाइटल वाला जो टीजर आया है, वो बहुत ही जबरदस्त है। और भाई इन फिल्मों को देखने के बाद हम वाकई में कह सकते हैं कि भाई अब बॉलीवुड सही ट्रैक पर चल रही है। और भैया बॉलीवुड के लोगों, अपने इतिहास को मत भूलो, अपने धरोहर को मत भूलो, अपने संस्कृति को मत भूलो। अगर आप अपनी संस्कृति को भूलोगे तो भैया धीरे धीरे जिस तरीके से जनता बॉलीवुड को भूलती जा रही थी, भैया एक दिन बॉलीवुड पर साउथ इंडस्ट्री का ही राज होने वाला है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।